गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। सविता का चेकअप किया? जी हाँ, पल्स रेट ठीक ही चल रही है, बीपी भी नॉर्मल है, ब्रीदिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी बेहोशी अब तक ठीक नहीं हुई सर। उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसको होश कब आएगा, और वैसे सिस्टर वो बेहोश नहीं है, शी इज इन अ कोमा, इसलिए हर घंटे बाद उसका चेकअप करते रहिएगा। यस डॉक्टर, आई विल डू दैट। ये रही उसकी रिपोर्ट। मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नम्रता। ये सिस्टर रैना है एंड दिस इज डॉक्टर नम्रता। आज से ये वार्ड नंबर 3 और 4 संभालेंगे। ओके। आप इनको सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट दिखा देना। जी जरूर। एक्सक्यूज मी, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू डॉक्टर। मैं आपको आपके रूम में ढूंढ रही थी, वहाँ डॉक्टर अशोक ने मुझे बताया कि आप इस रूम में हैं। तो दरअसल ये मेरे डैडी का कैबिन है, लेकिन कभी कभी यहाँ आकर मैं बैठ जाता हूँ। खैर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आज से वार्ड नंबर 3 और 4 आप संभालेंगे। वैसे उस वार्ड में किस तरह के पेशेंट्स हैं डॉक्टर? वार्ड नंबर 3 और 4 में ज़्यादातर नॉर्मल पेशेंट्स ही हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ऑपरेशन के बाद रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी के डिटेल्स आप सिस्टर से ले लेना। ओके डॉक्टर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। आप इस हॉस्पिटल में कब से हैं? मैं इस हॉस्पिटल को 1 महीने से अटेंड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में था, और वहाँ से अमेरिका जाना चाहता था मैं हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन डैडी ने ज़िद की कि अपना हॉस्पिटल है, आज नहीं तो कल संभालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपने प्लान्स चेंज कर लिए और यहाँ आ गया। वैसे आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर, हम अपने देश में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कल्चर में रहते हैं जो कि वहाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वैसे भी अगर मैं वहाँ चला जाता तो आपसे मेरी मुलाकात कैसे होती? जी तो काम ना जी। हाँ? कमाल करते हैं आप लोग। हाँ, आप लोगों ने घर बदल लिया और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। अरे वो तो भला हो आपके पड़ोसी का जिसने हमें आपके घर का पता दिया, कम से कम खबर तो कर सकते थे ना आप लोग। आप इतनी परेशान घबराई हुई सी क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है? खाक ठीक होगा रामकिशोर जी, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। क्या हुआ है? क्या बताएं हम, ये सब कुछ अमरनाथ जी को बताना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा कि आप लोग वहाँ आ ही नहीं रहे तो हमें लगा कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सारी बातें बता दें। लेकिन कामना, बात क्या हुई है? कामना, अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा अनर्थ। क्या हुआ है? आपकी बहू है ना सरिता, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। क्यों? हाँ, ये तो पता नहीं कि वो सीढ़ियों से खुद गिरी थी या फिर अमर जानबूझकर गिराया गया उसे। हाँ कमला, बात अगर यहीं तक होती तो भी ठीक था, लेकिन नहीं नहीं बहन जी, आप बताइए क्या हुआ। किशोर जी, आपके खानदान का चिराग वो भी नहीं रहा इस दुनिया में। क्या बकवास कर रही है तू? जी हम बकवास नहीं कर रहे हैं, इस वक्त सरिता हस्बैंड बेहोश पड़ी हुई है। आप बस इतना बता दीजिए कि वो किस अस्पताल में है। जो MK हॉस्पिटल, रूम नंबर 403। नाश हो अमरनाथ के बच्चे का। दीजिए हम आपका दुख समझ सकते हैं, अरे हमें तो जब से पता चला है कि वो मासूम इस दुनिया में नहीं रहा, हमारे ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कीड़े पड़ेंगे उसको, कीड़े। दीजिए शांत हो जाइए। नाजायज फायदा उठाया है उसने हमारी शरीफताई का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बीजी, अरे क्या क्या नहीं सहा आप लोगों ने, और बदले में क्या दिया इन लोगों ने देखना। अब वही सुलूक उसको मिलेगा जो उसने हमारे साथ किया है। उसका क्या नतीजा होगा बीजी? अरे बहुत परवाह कर ली नतीजे की, क्या मिला। अच्छा बीजी, हम चलते हैं।